हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश आफरीदी और आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है दानिश आफरीदी में। दोस्तों, आज लाया हूं मैं आपके लिए एक ऐसा ऐप जिसके जरिए आप अपने फोटो को मिक्स कर सकते हैं और मिक्स करके उसे ब्लेंड करके आप बना सकते हैं नया फोटो। यानी 2, 3, 4 जितने भी आपके फोटो हैं उन सबको आप मिक्स करके उन्हें ब्लेंड करके अपना एक नया और एक ज़बरदस्त फोटो बना सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको वो कौन सा ऐप है और उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप किस तरह से इस ऐप का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी सेटिंग्स किस तरह से की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए बढ़ते हैं हमारे प्ले स्टोर की तरफ। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है फोटो ब्लेंडर। जैसे आप यहाँ पर फोटो ब्लेंडर टाइप करेंगे, ये पेज यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको थर्ड नंबर का जो ऐप नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और इसके आइकन को आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको प्ले स्टोर में इसको सर्च करना आसान रहे। अगर आपको ये प्ले स्टोर में इस तरह से मिल जाता है तो ठीक है, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 5 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड करा है और 4.5 की इसकी रेटिंग है। तो चलिए दोस्तों, हम यहीं से इसको ओपन करते हैं। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये ऐप थोड़ा सा वक्त लेता है, ये आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे यहाँ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये आपसे कुछ परमिशन मांगता है, यहाँ पर इसे ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे ये आपसे दोबारा एक परमिशन और मांगेगा, आप आइए इसे अलाउ कर दीजिए, फिर आपको दोबारा अलाउ करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर ऐप आप स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, जो कि आपको यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ की तरफ बैकग्राउंड नीचे की तरफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहां से आप अपना एक बैकग्राउंड ले लीजिए। चलिए मैं जल्दबाजी में आपको कोई भी एक बैकग्राउंड लेकर बता देता हूं, वरना यहां पर काफी सारे बैकग्राउंड्स हैं, आप कोई भी एक बैकग्राउंड यहां पर ले लीजिए। यहां बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, आप उनमें से कुछ भी ले सकते हैं। मुझे ये अभी ये सूरज वाला अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसको यहां पर ले लेता हूं। यहां पर फोटोज लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके यहां से आप अपने फोटोज ले सकते हैं। तो ये फोटो आप दोस्तों यहां पर जैसे आप फोटोज पर क्लिक करेंगे तो यहां आपको दो ऑप्शन देगा। पहला जो लेफ्ट साइड वाला है उल्टे हाथ वाला, इस पे एक कैमरा बना हुआ है, यानी कि आप हाथों हाथ अपना एक फोटो खींच सकते हैं और उसे ब्लेंड करके मिक्स करके यहां पर 2-4 फोटो खींचकर उनको एक नया फोटो बना सकते हैं। और दूसरा जो राइट साइड में आपको जो आइकन नंबर नजर आ रहा है वो है गैलरी का आइकन। तो गैलरी में जो आपने ऑलरेडी पहले से खींचे हुए जो फोटो हैं उनको आप ला सकते हैं और उसका ऐप यहां पर ब्लेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां से अपनी गैलरी से कुछ फोटो लेकर आते हैं। चलिए मैं अभी ऐप्स को एक ही फोटो लेकर आऊंगा, क्योंकि ज्यादा फोटो लेकर आऊंगा तो यहां बहुत ज्यादा यहां पर टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे मोबाइल की गैलरी ओपन हो गई है। यहाँ से अब अपना एक फ़ोटो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। जिस फोटो को आपको सेलेक्ट करना है उसे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उसे क्रॉप कर सकते हैं, बड़ा और छोटा कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे फ्लिप भी कर सकते हैं, यानी आप देखिए यहाँ से मेरा मुँह जो एक साइड था वो दूसरी साइड हो गया, तो इस तरह से आप फ्लिप कर सकते हैं। अभी मुझे फ्लिप नहीं करना है, तो यहाँ पर इसको जो राइट का निशान बना हुआ है सीधा हाथ की तरफ नीचे उस पर आकर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करके लाएंगे तो ये यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों, आप इसे यहाँ पर इस तरह से इसको मिक्स कर सकते हैं फोटो के अंदर। तो यहाँ मिक्स करने के लिए आपको जो यहाँ ये फोटो तो आपको मिक्स हुआ हुआ नज़र आ ही रहा होगा, इसको आप यहाँ से हल्का और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर जो ये दो स्लाइडर नीचे नज़र आ रहे हैं और मिक्सर नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए आप स्लाइड कीजिए। यहाँ हल्का करेंगे तो इस तरह से आपका फोटो डार्क हो जाएगा और बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट हो जाएगा। आप इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर आप सीधा हाथ की तरफ इसे सरकाएंगे इस तरह से, तो आपका फोटो यहाँ पर लाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस फोटो को कहीं भी सेलेक्ट करके और सेट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। नीचे वाला जो है दोस्तों, उस पर आप क्लिक करके इस तरह से आपके फोटो में इफेक्ट दे सकते हैं, इफेक्ट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से आप समझ ही गए होंगे, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो इरेज़र के ज़रिए यहाँ पर आप टच कर और इसको इरेज़ कर सकते हैं। यानी फ़ोटो को भी अगर आपको कहीं से इरेज़ करना है तो यहाँ इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए इरेज़र तो आप यहाँ से इरेज़र का यूज़ नहीं कीजिए। यहाँ पर आपको फ़ोटो नज़र आ ही गया, इस तरह से ये फ़ोटो बन गया है। इरेज़र का उपयोग मैंने आपको करके दिखा ही दिया है। अब आपको इसे डिलीट करना है तो बीच वाला जो आइकॉन ऊपर की तरफ बना हुआ है डस्टबिन, उस पर क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ एडजस्ट है दोस्तों, एडजस्ट पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये एडजस्टर आ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है एडजस्टर के बारे में। तो यहाँ पर आप उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर जो राइट साइड में सीधा हाथ की तरफ जो राइट का आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक करके आप फोटो को सेव कर लीजिए। अब यहाँ आपको ऊपर एक फ्लॉपी बनी हुई नजर आई है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो जाकर सेव हो जाएगा आपके मोबाइल की गैलरी में। तो बस यही है दोस्तों, यहाँ पर आप अभी मैंने आपको एक ही फोटो के बारे में बताया, आप यहाँ पर कई फोटो बना सकते हैं, कई सारे यहाँ पर आप बैकग्राउंड ले सकते हैं।
तो दोस्तों अब आप बताइए मुझे कि आपको ये जो ऐप है वो कैसा लगा और मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें लाल कलर से नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ नजर आ रहा होगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में एक बेल का आइकॉन, एक घंटी बनी हुई है उसे भी दबाकर ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए चैनल पर नए वीडियो अपलोड होते ही।